शनिवार से नवरात्र का पावन दिन शुरू हो गया और आज से 9 दिनों तक मंदिरों में मां की विशेष पूजा की जाएगी। आज से शुरू वसंती नवरात्र का पहला दिन है और आज मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखकर मां के भक्तों की भक्ति का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि गोरखपुर के गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर में आज से 9 दिन तक हर रोज इसी तरह माँ के भक्तों की भीड़ नजर आएगी। चूंकि ये सबसे प्राचीन काली माता का मंदिर है और इसको लेकर यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु और उनके दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं उनकी वो मन्नतें पूरी होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दुकानदार प्रदीप गुप्ता और मंदिर के पुजारण ललिता ने कहा। प्रदीप गुप्ता, ये बहुत पुरानी मंदिर है, यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ मंदिर के तहत कोई प्रोग्राम नहीं होता है। ये करीब 2-3 साल हो गए। बहुत पुरानी मंदिर है, ये बहुत जागता मंदिर है। तालिता 3 कुछ चला था, हमारी पिंडी यहाँ निकल वाली, नीचे वाला पिंडी निकली है और ऊपर वाला तो बनवाओल गई बा। बहुत जागता है, बहुत पुराना है। जैसे जंगल झाड़ी रहा तब मने आबादी कम रहना, कम आवत रहना, और जैसे आबादी बढ़त गई वैसे माई की दक्षण बढ़त गई। कृपा अरे बाब, हमार जन्म कर्म नहीं रहा बेटा, तब तो हमार ससुर गुजर रहा आ ससुर के ससुर गुजर रहा, बाप गुजर रहा, अब उनका बेटा गुजर गया ना, आ पोती पोता बाटे, हम बाटी 3 पुश्त हो गए।